हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिवी द आर्ट ऑफ लर्निंग। आज हम बनाएंगे ये कलरफुल प्ले डो। ये हाउसहोल्ड थिंग से बना है और बच्चों के लिए पूरा सेफ है। इसके लिए चाहिए 2 कप मैदा और 1 कप सॉल्ट। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और साइड में रख देंगे। आपके पास अगर फूड कलर है तो आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कुछ हाउसहोल्ड थिंग से हम ये बना सकते हैं। बीटरूट को बॉईल करने से ये पानी बना है, तो इसको हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देके मिक्स करना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हमारा पहला प्लेडो रेडी है। ये पिंक कलर का दिख रहा है। नेक्स्ट कलर में हम हल्दी मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर को डायरेक्ट यूज़ किया है, आप पानी बना के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो देखिए कैसे हाथ में लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैदा लेकर उसको उसके साथ मिक्स करेंगे। परफेक्ट डो बनने तक आप उसके साथ मैदा मिक्स कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा येलो कलर भी रेडी है। प्रीवियस वीक मैंने पेपर फ्लावर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसे जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट कलर हम बनाएंगे कॉफी से। डो बनाने की प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। हमने इस प्रोसेस में हार्श केमिकल यूज नहीं किया है, तो छोटे बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने कॉफी पानी के साथ मिक्स करके लिया है। अलग अलग मात्रा में लेने से डो का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने कॉफी पाउडर को डायरेक्ट यूज किया है। ये कार्बन मैंने दिए में से निकाला है। जैसे पहले काजल बनाते थे, वैसे ही आप दिए में से कार्बन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मेसी हो सकता है, तो आप ग्लोव्स पहन के इसको बना सकते हैं। डो बनाने के बाद इस तरह से पॉलीथीन से रैप करके आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक। अभी कुछ चीजें बनाते हैं अपने हैंडमेड डो से। बनाने से पहले अपने हाथों पर और सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल जरूर अप्लाई कर लें। ये प्ले डो से बच्चे डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। चीजें बनाने के बाद उसको बेक कर देने से वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक इमोजी बनाया है। बेकिंग इंस्ट्रक्शन बाद में दिया गया है। क्या आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? कलर रेफरेंस वीडियो के अंत में दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डो में टेक्सचर देने के लिए डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डो को नॉनस्टिकी बनाने के लिए आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले डो से खेलने से बच्चों में मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। बच्चे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव भी बन जाते हैं, तो आप जरूर ये घर में ट्राई करें। मैंने अपने चैनल पर और बहुत सारे डो मेकिंग प्रोसेस दिखाए हैं, तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया गया है। हम यहाँ पे एक यूनिकॉर्न बना रहे हैं। आप में से कितने जन ने इसको गेस किया था?
अभी मेरे बेटे का टाइम है इसको टेस्ट करने का। बच्चे इस तरह से आसानी से कुछ भी छोटे छोटे चीजें बना सकते हैं। अगर आप ये प्ले डो बनाएं और कुछ चीजें बनाएं तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज में। सी द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स। डो से बनी हुई चीजों को बेक करने से इस तरह से दिखता है। इससे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। बेक करते वक्त 5-10 मिनट में डो को जरूर चेक करते रहें। ब्लू कलर का डो बनाने के लिए मैंने उजाला का यूज किया है। ये बहुत ही ब्राइट कलर बना है। नेक्स्ट कलर बनाने के लिए मैंने अल्ता का यूज किया है। ये रेड कलर देता है। इस तरह से हम हाउसहोल्ड चीजों का यूज करके डिफरेंट कलर को मिक्स मैच करके बना सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कलर हमने बनाया है। ये कलर्स मैंने प्ले डो को एक्रिलिक कलर के साथ मिक्स करके बनाया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।